मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे कैचमेंट एरिया में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक शहर के लकड़ी ढाई, आश्रम घाट, बालू घाट में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को जुगाड़ वाली नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आने जाने के लिए लोग बड़े पैमाने पर जुगाड़ के बनी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने थर्मोकोल के कई बक्सों को जोड़कर एक जुगाड़ वाली नाव तैयार की है। नाव को मजबूती देने के लिए उसे चारों तरफ से पॉलिथीन और प्लास्टिक की सीट से कवर किया गया है। साथ ही नाव पर बांस की फट्टी बंधी है, इससे नाव का बैलेंस भी बन जाता है, साथ ही मजबूती हो जाती है। नेपाल के बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार की नदियों में उफान आने लगा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, जो शहर के बीचों बीच अवस्थित है, में भी जलस्तर काफी तेजी से वृद्धि हो रहा है और कैचमेंट एरिया में जो घर बना हुआ है वह आसपास पानी भरने लगा। और ऐसे में अब जुगाड़ वाली नाव ही इन लोगों का एक सहारा बना है। उसी नाव पर इस वक्त हम बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से लौट रहे हैं वो भी अब अपने घरों में, चूंकि हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से आसपास घर बना हुआ है और उस जगह पानी तेजी से बढ़ने लगा है, तो लोग इस पानी से बचाव के लिए जुगाड़ वाली नाव बनाए। हालांकि यह काफी खतरनाक होता है और जानलेवा भी साबित होता है, लेकिन यह नाव यानी जुगाड़ वाली नाव जो थर्मोकोल से बनी हुई है, यही एकमात्र सहारा है। अच्छा, ये नाव तो पलट भी जाता होगा, गिरता भी होगा पानी में। हाँ। कैसे तुम लोग घर से बाहर निकलते हो, आप बताइए। सर, ये नाव पलट भी जाता है, हाँ, टूट भी जाता है, आदमी डूबने के भी अति रखता है, ठीक है ना, चांस है। इस से घरों पे अपना लोग जाते हैं सुरक्षित होके और आ जाते हैं। हाँ, इस बूढ़ी गंडक में इतना पानी काफी भर गया हुआ है, तो पानी बढ़ने लगा लगातार। हाँ, इस वक्त ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी है, इस बार अभी बहुत पानी बढ़ा है। ग्रामीण जुगाड़ वाली नाव पर चढ़ने के लिए मजबूर है। आने जाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने किसी भी नाव का प्रबंधन नहीं किया है। मजबूरी के कारण यही जुगाड़ वाली नाव ही गांव के लोगों का सहारा है। वहीं डीएम सुब्रत कुमार ने कहा है कि ग्रामीणों को जल्द ही नाव की व्यवस्था कराई जाएगी। नाव के साथ इकरारनामा हम लोगों का हो गया है, जो मेरी जानकारी है लगभग 125 के आसपास, 100 से ज्यादा नाव के साथ एग्रीमेंट हो गया है। और जो नाव बचे हुए हैं जो विभिन्न प्रखंडों में एग्रीमेंट करना है, अंचल अधिकारी कर रहे हैं, नावों का रजिस्ट्रेशन SDO करते हैं, तो उनको भी निर्देश दिया जा चुका है, नावों का निरीक्षण कर लेना है अंचल अधिकारियों की कि नाव सही अवस्था में है। जो सरकारी नाव है उनकी मरम्मति होती है, जो मरम्मति योग्य है, तो वो भी अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन ने कुछ प्रखंडों में जाकर देखा है। इसके अतिरिक्त SDRF की टीम हम लोगों के पास है, और अतिरिक्त अगर टीम की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम लोग मुख्यालय से मंगवा लेते हैं। कोई वैसी स्थिति अभी वर्तमान में नहीं है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, सरकारी महकमा पहले से तैयारी के दावे भी करता है, लेकिन फिर भी थर्माकोल की जुगाड़ वाली नाव के सहारे लोग यात्रा करने को मजबूर दिखते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।